नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। केंद्र सरकार की सेंट्रल विस्टा परियोजना को लेकर चल रहे विवाद के बीच आवास और शहरी मंत्रालय ने दावा किया है कि इस परियोजना से हर साल 1,000 करोड़ रुपए की बचत होगी। विपक्षी पार्टियां बेवजह सेंट्रल विस्टा परियोजना का विरोध कर रही हैं। केंद्र सरकार दिल्ली में मंत्रालयों के दफ्तरों के किराए पर सालाना करीब 1,000 करोड़ रुपए खर्च करती है। ऐसे में सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत न सिर्फ आधुनिक तकनीक से लैस भूकंप रोधी 3 गुना बड़ा और खूबसूरत भवन मिलेगा, बल्कि एक ही परिसर से केंद्र सरकार के सभी 51 मंत्रालय संचालित होंगे। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि केंद्र सरकार के कई कार्यालय अलग अलग जगहों पर हैं और कई किराए के भवनों में हैं, जिनके लिए बड़ी रकम की आवश्यकता होती है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद सभी ऑफिस एक जगह पर आ जाएंगे। इससे न केवल किराए की बचत होगी, बल्कि बेहतर कार्यस्थल के साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत कुल 10 नए भवनों का निर्माण किया जाएगा, जबकि राजपथ के दोनों ओर मौजूदा ढांचे को तोड़ा जाएगा। एक नया संसद भवन, एमपी कार्यालय, प्रधानमंत्री और भारत के उपराष्ट्रपति के लिए नए आवासों का निर्माण किया जाएगा। राजपथ में केंद्रीय विस्टा एवेन्यू को फिर से तैयार किया जाएगा। परियोजना की कुल लागत लगभग 20,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जिसके 2026 तक पूरा होने की संभावना है। मौजूदा विरासत भवनों में से किसी को भी परियोजना के तहत तोड़ा नहीं जाएगा। वर्तमान में केवल नया संसद भवन और सेंट्रल विस्टा एनव्यू बनाया जा रहा है। पिछले महीने दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंट्रल विस्टा परियोजना पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 1,00,000 रुपए का जुर्माना लगाते हुए कहा कि ये राष्ट्रीय महत्व का एक आवश्यक परियोजना है। याचिका में कोरोना महामारी के मद्देनजर इस प्रोजेक्ट को रोकने की अपील की गई थी। इससे पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सेंट्रल विस्टा को रुपयों की आपराधिक बर्बादी करार दिया था। उन्होंने ऐसा दिखाने का प्रयास किया था जैसे ये प्रोजेक्ट पीएम मोदी का कोई निजी प्रोजेक्ट हो। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र और राजस्थान की सरकार विधायकों के लिए हॉस्टल बनवा रही है, जिस पर वो चुप्पी साधे हुए हैं। केंद्र सरकार ने 13,450 करोड़ रुपए में नए प्रधानमंत्री आवास के निर्माण का कांग्रेस का दावा खारिज कर दिया। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि इस लागत को बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। इनमें 10 इमारतें बननी है और पीएम आवास के लिए अभी तक टेंडर भी जारी नहीं हुआ है। कोरोना काल के दौरान सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर लगातार विपक्ष हमला बोल रहा है। वहीं केंद्र सरकार ने परियोजना से जुड़े तथ्य साझा किए हैं। विपक्ष ने आरोप लगाया था कि महामारी के समय केंद्र सरकार 20,000 करोड़ रुपए की परियोजना पर काम कर रही है, जिस पर पलटवार करते हुए हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि इसकी कल्पना महामारी के समय से पहले साल 2019 में की गई। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की ओर से कहा गया कि नए संसद भवन की लागत 862 करोड़ रुपए है और सेंट्रल विस्टा एनव्यू की लागत 477 करोड़ रुपए है। कुल मिलाकर ये लागत 1,300 करोड़ रुपए की है। इनमें 10 इमारत बन रही है और पीएम के आवास के लिए टेंडर भी नहीं निकला। पीएम आवास की लागत को बढ़ा चढ़ा कर बताया जा रहा है। नए संसद भवन की जरूरत के बारे में बताते हुए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि मौजूदा संसद भवन काफी कमजोर है और बड़े भूकंप से बड़ा नुकसान हो सकता है। इसके अलावा नई बिल्डिंग भूकंपीय क्षेत्र 4 में बनाई जा रही है और यहां खतरा कम है। कांग्रेस और अन्य पार्टियां लगातार सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का विरोध कर रही हैं। वहीं बीजेपी की ओर से कहा गया है कि परियोजना गांधी परिवार के नाम पर नहीं होने की वजह से कांग्रेस परेशान है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।